नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक की कॉपी को जलाकर अपना विरोध भी दर्ज करवाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने इस बिल को संविधान के खिलाफ बताया। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया है। सीएबी का बिल पूरी तरह असंवैधानिक है। संघ का विधान देश का संविधान नहीं हो सकता। भारत की आत्मा पर चोट मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो बिल लेकर आई है निश्चित रूप से यह गैर संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है। जहां इस देश में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 21 और 23 में सभी धर्मों, सभी भाषाओं और सभी लोगों के रहने की, सभी लोगों के नागरिकता की बोध को कराने का काम करता है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति पर विश्वास करती है, लोगों को इस देश से निकालना चाहती है। हम इसकी कड़ा विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी सीएबी के खिलाफ निश्चित रूप से आज धरना देकर इस बिल को जलाने का काम किया है। आगे भी संसद में भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ विरोध कर रही है।